हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं आप लोगों को समझाऊंगी समराइज रिटर्न टेक्स्ट के बारे में। और मैं उम्मीद करूंगी कि इस वीडियो के बाद आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि समराइज रिटर्न टेक्स्ट को किस तरीके से करना है और किस तरीके से आप इसमें अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। अब सबसे पहले समराइज रिटर्न टेक्स्ट जो है वो राइटिंग में आता है, तो मैं एक जनरल वीडियो भी बना चुकी हूँ, जैसे कि सबसे पहले स्पीकिंग का होता है एग्ज़ाम, फिर राइटिंग, फिर रीडिंग, फिर लिसनिंग का। तो समराइज रिटर्न टेक्स्ट राइटिंग में आता है। सबसे पहला ये टेस्ट, ये क्वेश्चन आता है राइटिंग में। और फिर एक समराइज स्पोकन टेक्स्ट भी होता है, वो लिसनिंग में होता है। दोनों में फ़र्क है, तो आज हम समझेंगे समराइज रिटर्न टेक्स्ट को। अब राइटिंग में दो ही आते हैं क्वेश्चन, समराइज रिटर्न टेक्स्ट और दूसरा होता है एसे। दो क्वेश्चन से मेरा मतलब ये नहीं है कि टोटल दो क्वेश्चन, समराइज रिटर्न टेक्स्ट के भी दो से तीन क्वेश्चन आ सकते हैं, एसे के भी दो से तीन क्वेश्चन आ सकते हैं। तो समराइज रिटर्न टेक्स्ट के बारे में सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके जो मार्क्स होते हैं वो आपको, राइटिंग का सेक्शन है तो राइटिंग के लिए तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ रीडिंग के लिए भी आपको इसमें मार्क्स मिलते हैं। रीडिंग के लिए क्यों मिलते हैं इसमें मार्क्स? क्योंकि आपको एक टेक्स्ट दिया है, टेक्स्ट मतलब एक पैराग्राफ दिया हुआ है रीड करने के लिए, आपको उसको रीड करते हो, कितने अच्छे तरीके से आपने अपने आंसर को लिखा है वो डिपेंड करता है आपने कितनी अच्छी तरीके से उस पैराग्राफ को रीड करके आप समझ पाए हो। तो इसलिए आपको राइटिंग के साथ साथ इसमें रीडिंग में भी मार्क्स मिलते हैं। इसलिए अगर आपका रीडिंग का ओके ओके ही हुआ है लेकिन राइटिंग का बहुत अच्छा हुआ है, तो हो सकता है कि आपकी रीडिंग में मार्क्स ही बहुत अच्छे आ जाएं। अब ये दो से तीन ज्यादातर आते हैं समराइज रिटर्न टेक्स्ट से, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। और हर एक समराइज रिटर्न टेक्स्ट के क्वेश्चन के लिए 10 मिनट का टाइम मिलता है। आपको पूरा टाइम यूज़ करना है, क्योंकि मान लीजिए आपने 10 मिनट से पहले ही नेक्स्ट दबा दिया, मान लीजिए आपने 8 मिनट में कर लिया और आपने दबा दिया नेक्स्ट का बटन, तो ऐसा नहीं है कि इसमें जो 10 मिनट्स में जो आपने 2 मिनट रह गए थे वो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐड हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए 10 मिनट पूरे मिलते हैं, पूरा उसको यूज़ करिए अच्छी तरीके से, और 10 मिनट इसमें लग भी जाते हैं। अब बेसिकली इसमें होता क्या है कि एक टेक्स्ट आपको मिलता है, एक पैराग्राफ होएगा, ठीक है, और वो ज़्यादातर ये 250 से 300 वर्ड का ही होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये 250 से 300 वर्ड जो है एक ही पैराग्राफ हो, 3 से 4 पैराग्राफ में भी कोई टेक्स्ट लिखा हो सकता है। आपको उसको रीड करना है और उस सारे पूरे टेक्स्ट की, चाहे वो एक पैराग्राफ में है चाहे वो 3 पैराग्राफ में है, आपको एक ही सेंटेंस में समरी लिखनी है उसकी, ठीक है। और ये बोला गया है कि समरी जो है वो 5 से 75 वर्ड्स के बीच में होनी चाहिए, मतलब 5 से कम नहीं, 75 से ज़्यादा नहीं। अब ये एक काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि नीचे वर्ड काउंट लिखा होता है, स्क्रीन में सबसे नीचे लिखा होता है कि आपने कितने वर्ड्स लिखे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको काउंट करने की ज़रूरत पड़ती है, वो ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर सबसे नीचे कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन भी दिया हुआ होता है, बट जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो ये कट कॉपी पेस्ट मतलब बिल्कुल चल नहीं रहा था, और मैंने एग्जामिनर को बुला के भी पूछा था कि ये कट कॉपी पेस्ट मेरे में नहीं हो पा रहा है, तो एग्जामिनर ने मुझे यही कहा था कि नहीं नहीं इसमें नहीं होता है, ये ऐसे नहीं होता है, मेरे को ठीक से कोई जवाब मिला नहीं था, तो मेरे को टाइप ही करना पड़ा था पूरा आंसर। तो आई डोंट नो, ऑल दो कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नीचे दिया हुआ होता है, पर जैसे कि आप इसमें देखिए, यहाँ पे ऐसे कट कॉपी पेस्ट दिया हुआ होता है, ये वर्ड काउंट दिया होता है कि यहाँ पे लिखा होगा आपने कितने वर्ड्स लिख लिए हैं, 30, 35, ऐसे जितने वर्ड्स लिखते जाएंगे उतना वो नंबर बढ़ता चला जाता है। पर मेरे केस में ये कट कॉपी पेस्ट नहीं चला था, मैंने पूरा पूरा टाइप किया था। अब एक सेंटेंस में लिखना है आपको आंसर, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये बोला गया है कि समरी को एक सेंटेंस में लिखना है 5 से 75 वर्ड्स में,
एक सेंटेंस में लिखने का मतलब ये होता है कि जो फर्स्ट वर्ड है उसका पहला लेटर आपको कैपिटल में लिखना है। वैसे भी जब भी आप सेंटेंस शुरू करते हो तो कैपिटल से ही शुरू करते हो, फुल स्टॉप, सिर्फ एक ही फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। और आप कोशिश करिए कि वर्ड्स जो आप लिखो वो 40 to 45 वर्ड्स आप लिखो, कोशिश करो, ठीक है, कितना तो आप लिख ही दो, लेकिन 75 से ज़्यादा बिल्कुल भी मत लिखना, और वो पॉसिबल है भी नहीं, क्योंकि इतना बड़ा सेंटेंस वैसे होता ही नहीं है कि जिसमें 75 वर्ड्स हो, इतना वो प्रैक्टिकल है ही नहीं। अब आपको मार्क्स किस बेसिस पे मिलते हैं? आपको मार्क्स मिलते हैं कंटेंट के 2 नंबर, फॉर्म का 1 नंबर, ग्रामर और स्पेलिंग के 2 नंबर, वोकैबुलरी के 2 नंबर। टोटल आपको एक क्वेश्चन के 7 पॉइंट्स मिलेंगे, 7 मार्क्स मिलेंगे। अब कंटेंट क्या होता है? कंटेंट होता है कि आप जब समरी लिखने जा रहे हैं, मतलब आप इतना बड़ा आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, 300 वर्ड्स का पैराग्राफ है, चलिए 350 वर्ड्स का पैराग्राफ है, आप उसको कुछ ही 40 वर्ड्स में लिख देते हो, तो 40 वर्ड्स में लिखने के लिए उसका क्या मतलब है? उसका सरल शब्दों में यही मतलब है कि उसका मेन, उस पैराग्राफ में मेन क्या बात है, ठीक है, मेन आइडिया क्या है, मेन पॉइंट क्या है, उसका सेंट्रल मीनिंग क्या है, अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो, मतलब उसमें आपको कीवर्ड्स ढूंढने हैं, वो क्या है वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। अब फॉर्म का मतलब क्या होता है? देखिए, फॉर्म का वही मतलब है कि आप अपनी वर्ड लिमिट्स में लिखिए, एक ही फुल स्टॉप लगाइए, वर्ड लिमिट से मतलब 75 वर्ड से ज़्यादा मत करिए, और 5 वर्ड से कम तो बिल्कुल लिखना ही नहीं है, कोशिश करके 40 वर्ड्स, 45 वर्ड्स, इतने वर्ड्स आप लिखिए ही लिखिए, क्योंकि उतना ही ठीक रहता है। फिर ग्रामर एंड स्पेलिंग, स्पेलिंग आप करेक्ट ज़रूर लिखिए, चाहे तो आप अपने घर में किसी को बोल सकते हैं कि वो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स की डिक्टेशंस दें, ताकि आप डेली 10 to 20 वर्ड्स डिक्टेशंस लेके प्रैक्टिस कर रहे हो। फिर ग्रामर में आपको कॉमा ठीक पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें फुल स्टॉप सिर्फ एक ही लगना है, तो आपको कॉमा यूज़ करना ही पड़ेगा इसमें, और कनेक्टर्स यूज़ करने पड़ेंगे। कनेक्टर्स क्या है वो भी मैं आपको आगे अभी समझाती हूँ। अब स्पेलिंग, वैसे मेरा जब ये एग्ज़ाम हुआ था तो मेरे स्पेलिंग्स पे बहुत अच्छा कमांड है, बट स्टिल जब मेरा रिजल्ट आया था तो मेरे स्पेलिंग्स के भी मार्क्स गए हुए थे, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करनी भी बहुत ज़रूरी है इसमें। अब वोकैबुलरी के 2 मार्क्स, वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है? देखिए, वोकैबुलरी का मतलब ये होता है कि आप बहुत अच्छी तरीके से जो इंग्लिश के वर्ड्स आप लिख रहे हैं, इंग्लिश वोकैबुलरी की बात हम कर रहे हैं, तो बहुत ही इंटेलिजेंट वाले वर्ड्स, अगर मैं बहुत ही ईजी शब्दों में आपको समझाऊँ तो, देखिए अकेडमिक वर्ड्स जो होते हैं, इंटेलेक्चुअल वर्ड्स जो होते हैं, ठीक है। फिर आपको शॉर्ट फॉर्म में कुछ भी नहीं लिखना है, कॉन्ट्रैक्शंस में कुछ भी नहीं लिखना है। कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब क्या होता है? जैसे हम लिख देते हैं डोंट, इस तरीके से नहीं लिखना है, डू नॉट लिखिए, ठीक है। तो एब्रीविएशंस नहीं लिखने हैं, जैसे एब्रीविएशंस लोग अक्सर लिखते हैं ना, कि किसी का BC AD, मतलब ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। आप सिनोनिम, किसी वर्ड का मीनिंग लिख सकते हो, ठीक है, जैसे हर शब्द के कई सारे शब्द होते हैं, और बहुत अच्छा शब्द आपको चुन के लिखना है। अब इसमें आपको टाइम कैसे मैनेज करना है? देखिए, 10 मिनट का ही टोटल टाइम आपको मिलेगा, 10 मिनट्स का ही टोटल टाइम आपको मिलेगा, पूरा टाइम आपको यूटिलाइज करना है, पूरा का पूरा टाइम। पहले आप 2 मिनट लगाइए, जब आप पूरा टेक्स्ट को पढ़ लेंगे, ठीक है, पूरे टेक्स्ट को अच्छे से पढ़िए, फिर उस 2 मिनट से ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। समरी लिखने के लिए 6 मिनट्स का टाइम आप लगाइए, समरी अगर आपका कट कॉपी पेस्ट चल रहा है तो आपका टाइम और भी बच जाना चाहिए, और रीचेक करने के लिए 2 मिनट का टाइम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस 2 मिनट में आप अपनी ग्रामर, कि आपने कॉमा कहीं ठीक लगाया है कि नहीं, और ग्रामर चेक करोगे, और आप अपनी स्पेलिंग सारी चेक करोगे अच्छी तरीके से। अगर आपको किसी वर्ड में डाउट है कि नहीं, इसकी स्पेलिंग में मुझे डाउट है, तो रिमेम्बर, इस सेक्शन में स्पेलिंग्स के मार्क्स कटते हैं, तो आप उस वर्ड को चेंज कर लो,
अब सबसे सही तरीका, बेस्ट वे क्या है इसको करने का, तो आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या है और कैसे लिखना है, उसके लिए सबसे पहले देखिए कीवर्ड्स क्या है। जब हम कहते हैं मेन आइडिया ढूंढना है हमें, ठीक है, तो देखिए कीवर्ड्स का क्या होता है, किसी जगह का नाम, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम, अगर स्कूल है कि स्कूल के बारे में कोई समझाया जा रहा है तो स्कूल का नाम हो गया। और वैसे भी देखिए मेन आइडिया जो होता है वो कीवर्ड से ही बनता है। ओके तो कोई भी अगर 3 से 4 पैराग्राफ में अगर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है तो हर पैराग्राफ में आप देखिए कौन सी नई बात कही जा रही है, वो उसका मेन आइडिया हो जाता है। एक ये भी तरीका होता है ढूंढने का मेन आइडिया। ओके वो आइडिया बार बार ही रिपीट नहीं होना चाहिए, या फिर आप उस आइडिया को बस एक ही बार ही लिखिए, उसको बार बार ही रिपीट मत करो, ठीक है। और अगर कोई एक्सप्लेनेशन दे रखा है किसी चीज़ का तो वो भी मेन आइडिया नहीं होता है, एग्जाम्पल्स मेन आइडिया नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये कलोकेशंस दे रखे हैं तो कलोकेशंस आप अपने ये समराइज रिटर्न टेक्स्ट में इंक्लूड करो, क्योंकि वो फिर काफ़ी अच्छे लगते हैं। और मतलब कैसे हैं, आप देखिए ये एक मशीन है जो एग्ज़ाम ले रही है, ठीक है, कोई ह्यूमन एग्ज़ाम नहीं ले रहा है, इसलिए आप कोशिश ये करो कि वर्ड्स सेम ही कॉपी करने की कोशिश करो। तो इसलिए अगर कलोकेशंस दे रखे हैं तो उनको कॉपी करो। और कीवर्ड्स पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है, मेन क्या बात हो रही है पैराग्राफ में, नया आइडिया हर पैराग्राफ में कौन सा आया है, और अगर पैराग्राफ में नहीं है टेक्स्ट तो कुछ लाइनों के बाद कौन सी ऐसी नई बात कही जा रही है, ठीक है। या फिर अगर कीवर्ड्स तो देखिए सिर्फ शब्द हो गए, तो उसमें आप किसी जगह का नाम, किसी इंसान का नाम, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम, ये सब कीवर्ड्स होते हैं। अब जैसे कि अगर ये 3 से 4 पैराग्राफ में है तो आप मेन आइडिया थोड़ा थोड़ा हर पैराग्राफ से लो, और जैसे कि आपने हर पैराग्राफ से ले लिए तो मान लीजिए 4 पैराग्राफ हैं, ठीक है, आपने 4 लाइनें सारे पैराग्राफ से निकाल ली कि इस पैराग्राफ की मेन आइडिया ये लाइन है, सेकंड पैराग्राफ का मेन आइडिया ये लाइन है, ऐसे सारे पैराग्राफ में से मेन आइडिया लेके उनको कनेक्टर्स की मदद से कनेक्ट कर दिया, जॉइन कर दिया बस। अब इसके लिए आप किस तरीके से, मेन ट्रिक जो मैंने फॉलो की थी और जो आप भी कर सकते हैं वो ये है कि आप एग्जैक्ट फ्रेजेस, फ्रेजेस मतलब छोटे छोटे जो सेंटेंसेस हैं उनको आप एग्जैक्टली कॉपी कर लो जो टेक्स्ट है, और फिर आप कनेक्टर्स यूज़ कर लो। दिस इज़ ए वेरी नाइस ट्रिक, क्योंकि तब कंप्यूटर वो सेम वर्ड्स को कैच कर पाता है अच्छी तरीके से, और ग्रामर का एरर होने के चांसेस भी कम रहते हैं। दूसरा यह है कि वोकैबुलरी के वर्ड्स आप कहाँ से नए लेकर आओगे। देखो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, कई इंग्लिश एक्सपर्ट्स ही होते हैं जिनकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होती है, अब ऑल ऑफ ए सडन इतनी अच्छी करना, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, तो तब तक के लिए मुझे लगता है ये ट्रिक काफ़ी काफ़ी बेटर है। अब कनेक्टर्स क्या होते हैं मैं थोड़ा ये समझा देती हूँ आपको। उससे पहले देखो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या होता है, मतलब एक सिंपल सेंटेंस, एक कंप्लीट सेंटेंस, जैसे कि हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, किसके बारे में बात हो रही है, वर्ब, वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक्शन, फिर किस ऑब्जेक्ट से, किस चीज़ से क्या कर रहा है, जैसे आई ईट मैंगो, ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसके आगे कुछ हमें ज़रूरत ही नहीं है, आई ईट मैंगो, बात ख़त्म हो गई बस, ये कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। तो इसमें यूजुअली कैसे होता है कि देखो कॉमा लगाने का जो आसान तरीका याद करने का, कि कभी भी ऐसा कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज है जैसे आई ईट मैंगो, ठीक है, इस तरीके का है, या कोई भी कंप्लीट सेंटेंस है, तो उससे पहले अगर कोई और सेंटेंस भी ऐड है तो उस इंडिपेंडेंट क्लॉज से पहले कॉमा लगता है। जैसे कि आफ्टर आई एट लंच आई फेल्ट गुड। अब आई फेल्ट गुड को जब आप पढ़ोगे तो
अगर आप इसको हटा दो कि आफ्टर आई एट लंच आई फेल्ट गुड, आई फेल्ट गुड भी एक कंप्लीट सेंटेंस है अपने आप में, उससे पहले कॉमा लगाते हैं, ये ग्रामर की रूल्स हैं, ठीक है। ऐसे ही एक ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बोले जाते हैं, कंजंक्शंस होते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स जो कि दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप सिर्फ एक ही यूज़ करना है तो कंजंक्शंस तो यूज़ करने ही पड़ेंगे, क्योंकि सेंटेंसेस कई सारे हो जाएंगे उनको ज्वाइन करने के लिए। तो उसको याद करने का सबसे आसान तरीका है फैन बॉयज, ठीक है। फैन में एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो, इनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, आप बस अभी ये समझो कि इनसे पहले कॉमा लगता है, ठीक है। लेकिन इसमें आप ध्यान रखना, आप किसी सेंटेंस में ये फैन बॉय यूज कर रहे हो तो ये कनेक्टर का काम करते हैं कि ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं, ओके। और ये ही सेंटेंस को काफ़ी हद तक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, ये काफ़ी बेटर काफ़ी अच्छे वाले कनेक्टर्स हैं, ओके। तो इसमें आप ये ध्यान रखना कि आप इन कनेक्टर से पहले कॉमा लगेगा, ठीक है। और ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज मींस दो कंप्लीट सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं, इनकम्प्लीट सेंटेंस नहीं कि यहाँ इनकम्प्लीट सेंटेंस है या यहाँ इनकम्प्लीट सेंटेंस है, वो नहीं होना चाहिए, फिर कॉमा नहीं लगेगा, सेंटेंस कंप्लीट ही होना चाहिए, तो उससे पहले कॉमा लगेगा ही लगेगा। इनमें से आप जरूर यूज करके आना एग्जाम में। अब जैसे कि कंप्लीट सेंटेंस कॉमा फैन बॉयज कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। अब मैंने थोड़ा इजी करने के लिए इनको लिख भी दिया है। अब जैसे यहाँ पे फॉर का मतलब होता है बिकॉज, आई लीव द मीटिंग कॉमा फॉर, ये फॉर क्या हुआ, ये हो गया फैन बॉय का एफ, इससे पहले लगा कॉमा, आई वॉज नॉट वेल। लेकिन आप इस कनेक्टर से पहले देखो, आई लीव द मीटिंग कंप्लीट सेंटेंस है, आई वॉज नॉट वेल कंप्लीट सेंटेंस है, इसलिए कॉमा, ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमा लगता है, लेकिन अगर इनकम्प्लीट सेंटेंस हो गया इसके आगे या पीछे तो नहीं लगेगा। एंड होता है इन एडिशन टू, आई लाइक चॉकलेट्स कॉमा एंड आई लाइक आइसक्रीम्स, इसलिए यहाँ पे कॉमा और एंड। अगर हम बोलते आई लाइक चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम्स तो यहाँ कॉमा नहीं लगता। नेक्स्ट है नॉर, नॉर का मतलब है एंड नॉट, तो नाइदर नॉर के साथ ज्यादातर ये नाइदर वर्ड भी आता है। नाइदर मी नॉर रोहित वर एट द ऑफिस येस्टरडे नॉर, अब यहाँ कॉमा इसलिए नहीं लगा क्योंकि नाइदर मी इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ओके। अब नेक्स्ट बट का मतलब हाउएवर, आई गो टू स्कूल ऑन मंडे कॉमा बट, यहाँ कॉमा भी है, आई डोंट गो टू स्कूल ऑन ट्यूजडे, ठीक है, दोनों ही कंप्लीट सेंटेंसेस है इसलिए कॉमा। और का मतलब है ईदर, आई विल ईट ईदर ए बर्गर और आई विल ईट ए हॉट डॉग, ठीक है, यहाँ कॉमा नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि ईदर भी आ रहा है। अब अगर आप इसको ऐसे बोलो कि आई विल ईट ए बर्गर कॉमा और आई विल ईट ए हॉट डॉग, तो वो कंप्लीट सेंटेंस है कि आई विल ईट ए बर्गर कंप्लीट सेंटेंस है, आई विल ईट ए हॉट डॉग कंप्लीट सेंटेंस है, पर हम ऐसे नहीं बोल सकते कि आई विल ईट ईदर ए बर्गर, ये इतना इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ठीक है। येट का मतलब बट, ही सेज एवरीथिंग कॉमा येट यू डोंट ट्रस्ट मी। नेक्स्ट अगर हम देखें सो का मतलब हो गया देयरफॉर, माय हैंडराइटिंग इज नीट कॉमा सो मींस देयरफॉर एवरीबॉडी लाइक्स इट। इसके अलावा भी कई कनेक्टर्स होते हैं जिनमें बाद में कॉमा लगता है, जैसे कि देयरफॉर। अब देयरफॉर आप सेंटेंस के ब्लास्ट में ही यूज करना, शुरू में यूज नहीं होता, ठीक है, या दस हो गया, एज अ रिजल्ट, ये सब बाद में यूज करना। अनलेस, ऑल्दो, बिसाइड्स, फर्दर मोर, एट द सेम टाइम, ऑल्सो, फाइनली, हाउएवर,
इन एडिशन टू एज वेल एज दस एज अ रिजल्ट टू सिमिलरली फाइनली ठीक है फर्स्टली सेकेंडली फिर फाइनली इन पर्टिकुलर। अब जब हम वोकैबुलरी की बात करते हैं तो जस्ट फॉर दी आइडिया, जैसे कि क्या होता है हम अक्सर वेरी बहुत बोलते हैं ठीक है, जैसे वेरी हंग्री, तो स्टारविंग, स्टारविंग इज ए प्रॉपर वोकैबुलरी वर्ड। वेरी इजी की जगह आप बोलिए एफर्टलेस। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स मैंने मेंशन करे हैं, जैसे कि वेरी हार्ड डिफिकल्ट, वेरी इंटेलिजेंट की जगह ब्रिलियंट, वेरी एंग्री की जगह फ्यूरियस, वेरी टायर्ड की जगह एग्जॉस्टेड, वेरी टेस्टी की जगह डिलीशियस, वेरी रिच की जगह वेल्दी, वेरी मीन की जगह क्रूअल, वेरी ओल्ड की जगह एंशियंट, वेरी वैल्यूएबल की जगह प्रेशियस, वेरी टैलेंटेड की जगह गिफ्टेड। अब ये एग्जाम में इस तरीके से ये आता है, जैसे इधर टाइम भी लिखा होता है क्योंकि 10 मिनट्स होता है तो टाइम उल्टा चल रहा होता है, ये जस्ट ऐसे ही कुछ भी लिखा है मैंने। तो रीड द पैसेज बिलो, पैसेज इधर इस तरीके से लिखा होगा, एंड समराइज इट यूजिंग वन सेंटेंस। टाइप योर रिस्पॉन्स इन द बॉक्स, यहाँ पे बॉक्स है आपको टाइप करना है। एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन यू हैव 10 मिनट्स टू फिनिश दिस टास्क। योर रिस्पॉन्स विल बी जज्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ योर राइटिंग एंड हाउ वेल योर रिस्पॉन्स प्रेजेंट्स द की पॉइंट्स इन द पैसेज। की पॉइंट्स बार बार ही मेंशन किए जा रहे हैं, जो की वर्ड्स आपको टेक्स्ट में दिख रहे हैं उनको चेंज मत करो, सेम टू सेम लिखो, कोशिश करो सिर्फ की वर्ड्स ही नहीं, छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे सेंटेंसेस फ्रेजेस ही पूरे कॉपी कर लो और कनेक्टर्स यूज करके कॉमा सही जगह यूज करके लास्ट में फुल स्टॉप लगा दो। एटलीस्ट कितना भी कम लिखो तो 40 वर्ड्स का तो लिख कर ही आओ। ओके, टोटल वर्ड काउंट यहाँ लिखा होता है, 10 मिनट्स का टाइम पूरा यूज करो अच्छे से, तभी नेक्स्ट करना, उससे पहले नेक्स्ट मत करो। स्पेलिंग्स अच्छे से अपनी चेक करो। अब जस्ट फॉर दी एग्जाम्पल, ये मैंने टेक्स्ट लिया है क्लास 8 हिस्ट्री की महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक में से। अब जैसे कि समझ लीजिए आप कि आपको एक ये पैराग्राफ और एक ये दो पैराग्राफ्स आपको मिलते हैं, आपको समराइज रिटन टेक्स्ट लिखना है। तो अगर जब हम इसको रीड करते हैं तो देखिए, द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज बिलीव्ड एज पीरियड ऑफ यूरोपियन स्पेशली द ब्रिटिश रूलर्स एंड गवर्नर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। In this period, various buildings, bridges, roads, water supply system, fountains, etc. were built. These buildings include government offices, residences of officers, leaders and revolutionaries, palaces of rulers of princely states, forts, prisons, etc. Among these monuments, many buildings are intact even today. Some are declared as national monument, whereas some are converted into museum, for example, cellular jail in Andaman. While visiting these sites, we get information about contemporary history, architecture, nature of the monument and also the economic condition of that particular period. Just as during the visit to cellular jail in Andaman, we get information about the revolutionary work of V.T. Savarkar by visiting Mani Bhavan in Mumbai or Sevagram Ashram at Wardha, we get information about the history of Gandhian era. तो इस दो पैराग्राफ्स को पढ़ने के बाद आपको एक ये आइडिया लगा होगा कि ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में है। ओके, अब यहाँ पे कई एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, वाटर सप्लाई। एग्जाम्पल्स हमें नहीं लेने हैं हमारे मेन आइडिया में। फिर आगे देखिए, आगे भी एग्जाम्पल्स हैं, बिल्डिंग्स जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेस, रेसिडेंसेज ऑफ ऑफिसर्स, लीडर्स, रेवोल्यूशनरीज, पैलेसेस, ये सब भी एग्जाम्पल्स हैं, नहीं लेने हैं। ये भी एक एग्जाम्पल ही है, ये सेल्यूलर जेल इन अंडमान, तो हमको ये भी नहीं लेना है। ओके, फिर अगर हम नीचे जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में तो आप देखो यहाँ पे सेल्यूलर जेल का फिर से जिक्र किया गया, ये भी एक एग्जाम्पल है। ये कोई मेन आइडिया नहीं है। मेन आइडिया क्या है? मेन आइडिया है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पीरियड ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ओके, तो जैसे मैं इसको किस तरीके से करती, मैं आपको वो बता देती हूँ कि
मैंने अपने टाइम पे भी सिर्फ कॉपी करे थे फ्रेजेस और जस्ट कनेक्टर्स उसमें ऐड कर दिया था, कॉमा जो मैंने आपको तरीका बताया है वहाँ कॉमा लगा दिया था। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखती कि द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज पीरियड ऑफ यूरोपियन कॉमा द ब्रिटिश रूलर्स कॉमा, देखिए कॉमा एंड फैन बॉयस एंड है उससे पहले कॉमा एंड गवर्नेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, फिर उसके बाद कॉमा सो वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री कॉमा आर्किटेक्चर कॉमा नेचर ऑफ द मॉन्यूमेंट एंड ऑल्सो द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड फुल स्टॉप। मेरे ख्याल से ये इतना इनफ होता इतना लिखना, क्योंकि बीच में सारा एग्जाम्पल्स है, इधर भी ज़्यादातर एग्जाम्पल्स हैं। तो मेन दोनों पैराग्राफ में से अगर हम मेन मेन आइडिया निकालें तो इस वाले पैराग्राफ में मेन आइडिया क्या है कि द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज बिलीव्ड एज पीरियड ऑफ यूरोपियन स्पेशली द ब्रिटिश रूलर्स एंड गवर्नेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ये इसका मेन आइडिया है, बाकी सारा एग्जाम्पल से भरा हुआ है। दूसरे पैराग्राफ में अगर मेन आइडिया निकालें तो कि वाइल विजिटिंग दीज साइट्स, ठीक है, ये जो साइट्स जब आप विजिट करते हो वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री आर्किटेक्चर नेचर ऑफ द मॉन्यूमेंट एंड ऑल्सो द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड, देखिए यहाँ पे भी पीरियड की ही बात हो रही है। तो इसको मैं सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से लिखती और बीच में मैंने फैन बॉय सो यूज़ करती मैं कॉमा सो एंड देन फुल स्टॉप। अगर आप बहुत ज़्यादा ये कर सकते हो कि फाइनली या हाउ एवर इस तरीके का आप यूज़ कर सकते हो कि ठीक है, या फिर आप ऑल दो कि ऑल दो कॉमा द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज़ बिलीव्ड एज पीरियड ऑफ यूरोपियन कॉमा स्पेशली द ब्रिटिश रूलर्स एंड गवर्नेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, हाउ एवर कॉमा वाइल विजिटिंग दीज साइट्स वी ऑल्सो गेट इंफॉर्मेशन अबाउट कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री आर्किटेक्चर कॉमा नेचर ऑफ द मॉन्यूमेंट एंड ऑल्सो द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड फुल स्टॉप। अब आई गेस ये कितने वर्ड्स हो जाते अभी, ये 45 वर्ड्स ही हो रहे हैं जो कि एकदम परफेक्ट है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप सेम कॉपी करिए, अगर दो या तीन पैराग्राफ्स हैं तो हर पैराग्राफ में से मेन आइडिया निकालिए और उसको कनेक्टर की मदद से कॉमा उन सब की जो फैन बॉयज मैंने आपको समझाए हैं उसकी मदद से कनेक्ट करके लास्ट में फुल स्टॉप लगा के लास्ट के दो मिनट ज़रूर रखिए ताकि आप थोड़ा चेक कर सके ग्रामर स्पेलिंग्स। देखिए अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो फिर स्पेलिंग्स गलत होंगी ही नहीं। तो बस मैंने इसी तरीके से किया था और मुझे डिज़ायर्ड मार्क्स मिले थे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो तरीका मैंने फॉलो करा होपफुली आपको भी उससे हेल्प होगी। और अगर जैसे मान लीजिए जो वर्ड टेक्स्ट में दिया हुआ है उसका सिनोनिम मत लिखिए, उसको सेम लिखिए, क्योंकि कंप्यूटर को मेन वही वर्ड पता है, उसका सिनोनिम नहीं पता। ये मशीन है, कोई ह्यूमन आपका एग्ज़ाम नहीं ले रहा है जिसको पता होएगा ये सब। ओके, तो यहाँ पे ये वीडियो एंड होता है। मैं होप करती हूँ आपको ज़रूर थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। थैंक यू।